हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई पाइप फाउंडेशन करवाते हैं, आपने देखा होगा ब्रिजेस में, मेट्रो ब्रिजेस में, फ्लाईओवर्स में, बहुत सारी जगह पर बिल्डिंग में भी पाइप फाउंडेशन का यूज होता है। बट पाइप फाउंडेशन करवाने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आईएस कोड हमारा क्या क्या चीजें बताता है कि पाइप हमारी किस तरीके से होनी चाहिए, उसका क्या टेस्ट होना चाहिए, मतलब कि पूरा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता है कि जब भी हम कोई पाइप फाउंडेशन लगाते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से आईएस कोड एक बार चेक कर लेने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रिनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पाइल फाउंडेशन की बात है तो सबसे पहले जो हमारा आईएस कोड है वो आईएस कोड 2911 है। इसके दोस्तों तीन पार्ट हैं और तीनों पार्ट ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब सबसे पहले अगर मैं पाइल फाउंडेशन की बात करूं तो ये जो हमारा आईएस कोड है 2911, इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है जो हमारे पाइल में काम आती है। जैसे कि अगर हम आईएस कोड 2911 देखें तो उसके पार्ट में हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन के बारे में दिखाई देगा, जो कि आपका इंक्लूडिंग हो जाएगा, लाइक आइसोलेटेड फुटिंग है, या फिर आपकी कंबाइंड फुटिंग है, या फिर आपकी स्टेप फुटिंग है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो उसमें हमारी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में भी दिया गया है कि जब भी हम कोई भी पाइल फाउंडेशन बिछाते हैं तो उसमें जो हमारी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो ऑन साइट पर किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी का पूरा एक वहां पर क्लॉज दिया हुआ है, तो उस क्लॉज को दोस्तों हम पढ़कर ये देख सकते हैं कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जितना भी डिजाइन बन रहा है वो ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं इसके पार्ट वन की ही बात करूं तो दोस्तों इसमें सारी टर्मिनोलॉजी दी हुई है कि इसका जो आपका इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से गिवन है, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो किस तरीके से रखी जानी है, मतलब कि ओवरऑल सारी चीज हमें यहाँ पर दी हुई है। जो भी हमारा इंटेंट लोड है, इंटेंट टेस्ट पाइल जो है, और आपका लोड बियरिंग पाइल है, वो सारी चीजें इसमें अच्छे से सारी समझाई गई है। तो ये है हमारा दोस्तों पार्ट वन, जो आपका 2911 पार्ट वन है। इसमें दोस्तों आपको सारी पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज आती हैं, जितने भी मन में डाउट आते हैं, वो सारे आप इस आईएस कोड में देख सकते हैं। जैसे पाइल की कैपेसिटी कितनी होती है, अपलिफ्ट कैपेसिटी कितनी है, जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, जितने भी आपके पाइल फाउंडेशन के डाउट आते हैं वो सारे आपके इस आईएस कोड में मिल सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों इसी के पार्ट टू की, तो 2911 पार्ट टू में दोस्तों क्या है, आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डीप फाउंडेशन के लिए है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पाइल फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी डिस्कशन मिल जाएगी, जो आपका ड्रिल्ड शाफ्ट होती हैं या फिर डिस्कस पाइल्स होती हैं, तो इनमें दोस्तों आप लोगों को अच्छे से विस्तार से सारी चीज वहां पर डिफाइन हो जाएगी। और इसी में दोस्तों लोड बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ये चीज आपको पार्ट वन में भी गिवन थी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको भी वहां पर शो किया गया है। अब दोस्तों पार्ट टू में अगर मैं और आगे चलूं तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के मेथड भी बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट कवर है, मेथड क्या है इसका डीप फाउंडेशन का, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आपका पाइल का बोर करना है, वो सारी चीजें भी आपको ये पार्ट टू में देखने के लिए मिल सकती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर सारी चीजें समझाई गई है। तो अगर आप कहीं पर भी पाइल फाउंडेशन बिछा रहे हैं तो आप एक बार 2911 पार्ट टू को एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई है जो कि आपको और किसी नोटबुक पे नहीं मिल पाएगी। अब अगर दोस्तों इसी के पार्ट टू में बात करें स्ट्रक्चर डिजाइन की, स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए भी दोस्तों इसमें एक अलग से क्लॉज दिया हुआ है। तो वो क्लॉज दोस्तों किसको दर्शाता है, जब भी हम कोई भी पाइल फाउंडेशन का डिजाइन बना रहे हैं, देखिए जब भी हम कोई भी ब्रिज, फ्लाईओवर या फिर मेट्रो ब्रिजेस बनाते हैं तो उसके नीचे हमारा सबसे ज्यादा पाइल फाउंडेशन का यूज होता है। जो भी छोटे मोटे ब्रिज होते हैं वो तो आपको नॉर्मल फाउंडेशन में भी, राफ्ट वगैरह में भी बिछ जाते हैं, बट अगर हमारा कोई हैवी स्ट्रक्चर है, कोई हैवी बिल्डिंग है, तो वहां पर हमें पाइल फाउंडेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कोई पाइल फाउंडेशन का डिजाइन बनाता है तो उसके लिए भी ये आईएस कोड 2911 पार्ट टू भी आप रेफर उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा स्ट्रक्चर डिजाइन को लेकर भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। जैसे कि स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ पाइल फाउंडेशन इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ, लेटरल लोड हुआ, या फिर आपका बेंडिंग हुआ, तो ये सारी चीजों का भी कॉम्बिनेशन आपको ये आईएस कोड पार्ट टू में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में दोस्तों इसमें जितने भी आपके पाइल फाउंडेशन में लोड की टेस्टिंग होती है उन सारे टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगर टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे, शैलो फाउंडेशन के लिए, डीप फाउंडेशन के लिए, और पाइल फाउंडेशन के लिए भी आप लोगों को बहुत सारे इसमें टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि स्टैटिक लोड होता है, आपका डायनेमिक लोड होता है, और आपका बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि इस आईएस कोड में आप लोगों को गिवन है। तो आप IS 2911 पार्ट 3 को फाइल की टेस्टिंग के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पार्ट जो हैं वो आपके
फाइल फाउंडेशन के लिए ही बनाए गए हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं पार्ट्स को, ये वैसे चार पार्ट में है, चौथा पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट वो भी है, पर ज्यादातर जितना इम्पोर्टेंट ये तीन पार्ट है सब लोग इसी से पढ़कर सारी फाइल फाउंडेशन वहां पर करवाते हैं। तो आप इन तीनों आईएस कोड को डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा, उसी के बाद आप फाइल फाउंडेशन करवाइएगा। दोस्तों ये तो हो गई बात आपकी आईएस कोड 2911 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास और भी आईएस कोड है जो कि फाइल फाउंडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों एक आपका आईएस कोड 456 दोस्तों ज्यादातर रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। अब अगर आप पाइल फाउंडेशन बिछा रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को रीइंफोर्समेंट भी बिछाना है और उसमें कॉन्क्रीटिंग भी करनी है, तो कॉन्क्रीटिंग के लिए दोस्तों ये आपका 456 यहाँ पर यूज किया जाता है। तो कॉन्क्रीट का जितना भी ग्रेड है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी फेलियर्स हैं, वो सारे चीजें आपको इस आईएस कोड में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जब भी आप इसमें कॉन्क्रीटिंग करवाएं तो एक बार आईएस कोड 456 को जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें कॉन्क्रीट की छोटी से छोटी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। और अगर आप पाइल फाउंडेशन नहीं करवा रहे हैं तब भी, अगर आप कहीं पर भी कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं, तो यही आईएस कोड आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज की दिक्कत आने में। आप इसके कंटेंट में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है, जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वाटर, एडमिक्सचर, रीइंफोर्समेंट, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को इस आईएस कोड में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जिस चीज में आप लोगों को फाइल फाउंडेशन में डाउट होता है तो वो चीज आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं फाइल का कट ऑफ लेवल क्या है, फाइल की चिपिंग क्यों की जाती है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को आईएस कोड में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक आईएस कोड और आता है 14858-2000। इसमें दोस्तों जितना भी आपका कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या फिर जितनी भी आप टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं कंक्रीट के ऊपर, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। ये ज्यादातर आपका टेस्टिंग के लिए ही काम में आता है, तो इस आईएस कोड को भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी काम होता है, आपने जितने भी ब्रिजेस देखे होंगे, मेट्रो ब्रिजेस देखे होंगे, फुटओवर ब्रिजेस देखे होंगे, फ्लाईओवर देखे होंगे, सब में पाइल फाउंडेशन का ही यूज किया जाता है। और कहीं कहीं पर आपका बिल्डिंग में भी पाइल फाउंडेशन देखने के लिए मिलती है। तो आपको अगर पाइल फाउंडेशन करवानी है तो ये जितने भी मैंने अभी आपको आईएस कोड बताए हैं, वो सारे आईएस कोड आपको एक बार देख लेने हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों की वहां पर जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि जहां पर भी आप पाइल फाउंडेशन डालने वाले हैं तो उसकी हर जगह की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अलग होती है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर का डिजाइन बनना है तो वो भी आप उसमें चेक कर सकते हैं, कितना उस पर लोड लगना है वो भी आप एक बार वहां पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको आईएस कोड बताए हैं, वो सारे आईएस कोड आपको पाइल फाउंडेशन करवाने में हेल्प देंगे। और ये जितने भी मैंने अभी आपको आईएस कोड बताए हैं, ये सारे आईएस कोड बेसिक है। इनमें आपको अगर आप इसको रीड आउट करने बैठते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईएस कोड होते हैं जिसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, बट ये जो जितने भी मैंने अभी आपको फाइल फाउंडेशन के आईएस कोड दिखाए हैं, इसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी वे में वहां पर डिस्क्राइब की गई है, क्योंकि ये क्या है कि साल दर साल आपका रिवाइज होते रहते हैं। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको आईएस कोड बताए हैं, ये सारे आपके फाइल फाउंडेशन को करने में हेल्प करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि फाइल फाउंडेशन जब भी अगर करवाते हैं तो ये सारे आईएस कोड जितने भी हैं पढ़ सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारे आईएस कोड लगते हैं, जैसे टेस्टिंग के लिए अलग अलग आईएस कोड लगते हैं, तो एक ही वीडियो में सारी चीजें बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि फाइल में कितने तरीके के टेस्ट होते हैं और उसकी में कौन कौन से आईएस कोड लगाए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।